सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर एजे एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी को एक ऐसे फेमस सिंगर का स्कूल दिखाने वाला हूँ जिन्होंने एक अपने लाइफ की छोटी सी एज में एक बहुत बड़ा मुकाम पा लिया है, और उनका जन्म हुआ था बिहार के मधुबनी जिले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथिली ठाकुर जी के बारे में। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी को उनका स्कूल दिखाने वाला हूँ जहाँ पर उन्होंने अपनी 12th की एजुकेशन को क्लियर किया है। और आप सभी को बता दूँ कि अभी जो मैथिली ठाकुर जी है फिलहाल कॉलेज में है, और आप सभी को आज के व्लॉग में उनका स्कूल दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो पहले पढ़ा करती थी। वो स्कूल है दिल्ली के द्वारका में, और अभी मैं हूँ उत्तम नगर में। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा द्वारका, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी को नेहा कक्कड़ जी का स्कूल और उदित नारायण जी का स्कूल देखना है तो उसके भी चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो जल्दी से जाकर आप सभी वो वीडियो भी देख सकते हो। मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलते हैं अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द्वारका मेट्रो स्टेशन पे अभी जो है मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं द्वारका सेक्टर 12, और यहां से वो थोड़ी दूर है बस स्कूल। तो आइए चलते हैं, अभी मैं चलता हूं पहले मेट्रो स्टेशन के बाहर। सर, ये है द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन, और यहां पे एक सामने बहुत ही अच्छा सा मॉल है, सिटी सेंटर मॉल द्वारका। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर। देख सकते हो आप लोग, ये मेरे पीछे है द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से कम 100 मीटर उससे भी कम समझ सकते हो वो स्कूल है। तो अभी मैं सीधा उस स्कूल के पास पहुँच के आप सभी को दिखाता हूँ वो स्कूल कैसा है। तो आप सभी को ये बात पता होगा कि मैथिली ठाकुर जी के पूरे परिवार अभी न्यू दिल्ली में रहते हैं, और अभी के टाइम में मैथिली ठाकुर जी के इंस्टाग्राम पर करीब 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, और अभी उनके हर जगह पर चाहने वाले हैं। फिलहाल उनके बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट होते हैं, कभी बेंगलोर में, कभी बनारस, ये वहाँ वहाँ जाते रहती है। और जो उनका घर है वो भी दिल्ली के द्वारका में ही है, पर जो घर का एग्जैक्ट लोकेशन है वो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि भाई घर थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो आज मैं के ब्लॉग में आप सभी को उनका स्कूल दिखाऊंगा, और वीडियो के एंड में आप सभी को प्रूफ भी दूंगा कि किस टाइप से आप सबको अभी लगेगा आप सभी को कि ये तो ऐसे झूठ बोल देगा, मतलब कोई भी स्कूल दिखा देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप सभी को वीडियो के एंड में प्रूफ भी दूंगा कि वो मैथिली ठाकुर जी का ही स्कूल है। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ मैथिली ठाकुर जी के स्कूल का नाम। उनके स्कूल का नाम है बाल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि न्यू दिल्ली के द्वारका में है। मैं उस स्कूल के पास पहुँच चुका हूँ, आप सभी को दिखाता हूँ बैक कैमरे से वो स्कूल। तो इधर जो है आप सब देख सकते हो, यही वो स्कूल बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, और ये आगे में है स्कूल का मेन गेट। इसी स्कूल में जो है मैथिली ठाकुर जी पढ़ाई करती थी। फाइनली बड़ी ही मुश्किल के बाद स्कूल मिल गया। मतलब गूगल मैप पे ना कभी कभी क्या होता है, लोकेशन उल्टा बता देता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही है वो स्कूल बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल जिसमें मैथिली ठाकुर जी पढ़ाई करती है, और ये शानदार KTM लगी है सामने। तो अभी तो मैं आप सभी को ये स्कूल सिर्फ बाहर से दिखा सकता हूँ, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो कि स्कूल के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती है, और ऊपर से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हम हमेशा रहते हैं। तो उधर जो है इसी स्कूल का मेन एंट्री गेट है। तो ये जो है आप सभी देख सकते हो कि स्कूल का जो मेन एंट्री का गेट है कुछ इस प्रकार का है। आज जो है स्कूल में कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का है, इसीलिए मतलब अभी 4 बज रहे हैं शाम के, और अभी सारे बच्चे आ रखे हैं, और वो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम में, बिकॉज यहाँ पे आज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है या फिर कोई एक्ट होगा वो पता नहीं मुझे, पर कुछ तो है भाई।
तो अभी आप सभी देखते हो मेरे पीछे लगा हुआ है बोर्ड बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। तो अब मैं आप सभी को प्रूफ दूंगा कि मैथिली ठाकुर जी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। अब आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो का क्लिप चालू करूंगा जिससे आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि इसी स्कूल में मैथिली ठाकुर जी पढ़ा करती थी। वो वीडियो का क्लिप जो है वो मैथिली ठाकुर जी के ब्लॉग चैनल का है, तो आप सभी वो पहले क्लिप देख लीजिए एक बार। क्योंकि मुझे कुछ कपड़े स्टिच करवाने थे और भी कुछ कुछ काम, और मैं हूँ अपने स्कूल के बाहर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरा एरिया देख के वापस। मैं इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ अभी स्कूल जाना। यही से एंटर करते थे हम लोग सुबह सुबह, 5 मिनट भी लेट होते थे तो हमको बाहर खड़ा होना पड़ता था जब तक पूरी असेंबली खत्म नहीं होती। फिर हम लोग जाते थे क्लास में, घुसते थे, मैम को सॉरी बोलते थे, फिर जाके क्लास में बैठते थे, फिर पढ़ाई शुरू होती थी। ये यही है मेरा स्कूल। के बाद पापा आज बर्गर खिलाने ले जाएंगे। ये है मेरे स्कूल वाला मार्केट। हम लोग यहीं से सुबह कुछ खाते पीते आते थे, फिर स्कूल आते थे। आप सभी ने जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो क्लिप देखा था, उस वीडियो क्लिप में जो मैथिली ठाकुर जी थी वो इसी रोड पे चलते चलते मतलब दिखा रही थी अपना स्कूल। तो उधर जो है आप इस टाइप के घर देख सकते हो, और आप सभी ने मैथिली ठाकुर जी के व्लॉग में भी देखा होगा कि वो भी इन्हीं तरह की घरों में रहती है, और आप सभी को द्वारका में ज़्यादातर इसी टाइप के घर मिलेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप सभी को मैथिली ठाकुर जी के सॉन्ग्स कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे एक चीज़ के लिए गर्व भी है कि वो हमारे बिहार से बिलोंग करती है। तो आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप सभी की वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल पे, और आगे भी आप सभी को ऐसे व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। ओके बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय। उतर चुका हूँ मेट्रो से, और अभी देख सकते हो पीछे कितना अच्छा मतलब सनसेट का व्यू आ रहा है। दिखाता हूँ आप सभी को बैक कैमरे से, मतलब फ्रंट कैमरे से तो पूरा ब्लैक ब्लैक आएगा, आप सभी को दिखाता हूँ बैक कैमरे से क्या नज़ारा है।